का मेरा दूसरा वीडियो है। इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इंग्लिश की एक एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो, लाइक बैकग्राउंड कलर ग्रीन। इस बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या देना है आपको, यहाँ से कुछ भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका जो फॉन्ट का कलर है वो भी टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट कलर में आप पिंक रख सकते हो, खुद भी अपनी जो इच्छा है वो रख सकते हो, ठीक है। मैं रेड रख दूँ, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर भी फोटो अगर चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज में कोई सी भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से, लाइक मैं ये बैकग्राउंड इमेज दे देता हूँ, कुछ भी आप बैकग्राउंड इमेज दे सकते हो। बैकग्राउंड इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, हाँ लोड ले रहा है क्योंकि सिस्टम टेक्निकल इशू है। ऑफिस से अपन सिलेक्ट करते हैं क्योंकि नेट की स्पीड बहुत धीमी है तो प्रॉब्लम ले रहा है, ठीक है। नेट थोड़ा सा धीमा चल रहा है, कोई बात नहीं, चलो बाद में कर लेंगे। बैकग्राउंड इमेज यहाँ से अपलोड कर देना, बैकग्राउंड का कलर अगर यहाँ से चेंज भी करना है तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। अब मान लो बैकग्राउंड का कलर ही अपन ने ये रख दिया, या फिर बैकग्राउंड का कलर ही रख देते हैं, चलो ठीक है। यहाँ से आप बैकग्राउंड का कलर भी कुछ भी रख सकते हो, लाइक अपने कलर को अच्छा लगता है, अलग लगे कि एप्लीकेशन में लगना चाहिए, एप्लीकेशन बनाएंगे अपन, ठीक है। ठीक है, मान लो ये बैकग्राउंड कलर भी है, तो थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी 30-40 कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको 40 दे देते हैं, इसको इतनी ही देते हैं 30, ठीक है। बटन पर जैसे क्लिक किया और ये एक्स वैक्स सब कुछ बड़े शो हो रहा और स्क्रीन भी बड़े शो हो रही, और ऊपर से अपन को ये हटा दीजिए, ये क्या है, ऊपर कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। अब वो जो मैंने अपन ने बैकग्राउंड इमेज डाला था ना वो आ ही रहा है यहाँ पर, अब आ रहा है वो जब डाला था तब नहीं आया था, अब आ रहा है आराम से। ऐसे ही तो होती है गवर्नमेंट काम है इसका, आराम से आएगा, ठीक है। जो एक्चुअली मैं टाइटल विजिबल, ये टाइटल विजिबल अपने को टाइटल विजिबल नहीं करवाना, ठीक है, डबल विजिबल हटा देते हैं, ठीक है। इंग्लिश कलर ये हो गया आपका, इस बटन पे जैसे क्लिक किया तो कुछ ओपन होगा। अब इस बटन को थोड़ा बड़ा भी दे सकते हो, बटन लाइक मैंने यहाँ बटन पर क्लिक किया, इसका जो है 20 कर दिया मैंने, और ये थोड़ा अच्छा लगेगा, इसको वैसे 30 ही कर दो, ठीक है। फिर आगे बटन, अब ये बटन है, अब जैसे बटन पे कोई क्लिक करे तो कोई नई स्क्रीन ओपन होना चाहिए, तो पहले अपन स्क्रीन बना लेते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश लर्नर पर कोई क्लिक करे तो मेरे कुछ वो बन जाना चाहिए, तो मैं ऐड स्क्रीन करूँगा, ऐड स्क्रीन में यहाँ पे नाम दे दूँगा ये वन, तो कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, जो कि आप कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन दे सकते हो, ये वाला वापस से अपन हटा ही दीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, तो बाद में बताएंगे उसकी क्या प्रॉब्लम होती है, इसलिए हटा दीजिए, तो कब फायदा है आपको। यहाँ अगर इमेज देना है तो इमेज भी दे सकते हैं, अपने यहाँ इमेज दिया, ठीक है। इसको वापस से आप यहाँ से सेंटर में सेट कर दीजिए और इस इमेज को ओपन कीजिए और यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लीजिए, अपलोड फाइल में जाइए, यहाँ से एक इमेज मान लो कोई सी भी अपन इमेज रख देते हैं, इमेज इमेज रखिए, तो जितनी इमेज थोड़ी बड़ी के लिए आएगी, क्योंकि इसमें हाइट और विड्थ से वो सेट हो नहीं पाएगी, तो करना पड़ेगी और हो नहीं पाएगी क्योंकि हाइट विड्थ का थोड़ा लफड़ा आया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अपन बटन रख देते हैं, वो इमेज थोड़ा टाइम लेगी आने में, इसलिए बटन रख देते हैं अपन, ठीक है। हाइट तो ज़्यादा बड़ी आएगी, इतनी बड़ी तो हमारा बटन नहीं चाहिए, थोड़ा सा हो जाएगा लफड़ा रहता है इसमें इमेज का, इमेज ऐसी अपलोड करोगे इमेज इधर भी नहीं आती,